हाय एवरीवन दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि उसके कंधे भी बड़े और चौड़े हों, क्योंकि दोस्तों जिसके भी कंधे चौड़े होते हैं उसकी बॉडी और भी ज्यादा बड़ी और मस्कुलर लगती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर पे ही अपने शोल्डर्स को बड़ा और चौड़ा कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली। दोस्तों शोल्डर्स को अपने बॉडी वेट से ट्रेन करना थोड़ा कठिन है, इसलिए जो एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगा हो सकता है आप में से कुछ लोगों को करने में मुश्किल हो, पर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हर एक्सरसाइज को करने का आसान तरीका भी बताऊंगा जिससे आप उस एक्सरसाइज को आसानी से कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, चलिए वर्कआउट शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज की जिसका नाम है पाइक पुशअप्स। दोस्तों इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको पुशअप पोजीशन से स्टार्ट करते हुए अपने पैरों को हाथों के पास लाना है और कुछ इस तरह से पोजीशन लेना है। अब इसको कुछ इस तरह से परफॉर्म करना है। दोस्तों इसको करते वक्त ध्यान रखें कि जब भी आप नीचे की ओर जाएं तो अपनी बॉडी को आगे की ओर जरूर झुकाएं और जब भी ऊपर आए तो अपने शोल्डर्स को प्रेस करते हुए ऊपर आए और शोल्डर को अच्छे से स्क्वीज करें, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग ऊपर आते वक्त अपने चेस्ट का यूज करते हैं जिससे इस एक्सरसाइज का इफेक्ट कम हो जाता है। दोस्तों अगर ये एक्सरसाइज आपके लिए मुश्किल है तो आप शुरू में अपने घुटनों को जमीन पर रखकर कुछ इस तरह से इसको परफॉर्म कर सकते हैं और दोस्तों जब ये एक्सरसाइज आपको आसान लगने लगे तो प्रोग्रेस करने के लिए अपने पैरों को किसी ऊंची सरफेस पर रखकर कुछ इस तरह से कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आपके शोल्डर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। इसके आपको 3 से 4 सेट 8 से 12 रेपिटेशन के करने होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज पे जिसका नाम है हैंड स्टैंड होल्ड। इस एक्सरसाइज में दोस्तों आपको कुछ इस तरह से पोजीशन लेना होता है। अब आपको इस पोजीशन में जितनी देर हो सके उतनी देर होल्ड करके रखना है। अगर आपको इसको करने में मुश्किल हो रही है तो आप पोजीशन चेंज करके ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं और फिर कुछ टाइम बाद उसको ट्राई कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपके शोल्डर्स के आगे के हिस्से के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव है। इसको आपको टोटल 2 से 5 मिनट होल्ड करना है, फिर चाहे आप सेट कितने भी करें। उसके बाद बात करते हैं हमारी तीसरी एक्सरसाइज की जिसको बोलते हैं सूडो प्लैंच पुशअप। दोस्तों इस एक्सरसाइज में आपको कुछ इस तरह का पोस्चर परफॉर्म करना होता है। इसमें बस ध्यान ये रखना होता है कि आप अपनी बॉडी को आगे की ओर झुकाते हुए इसको परफॉर्म करें। इस एक्सरसाइज में दोस्तों जितना ज्यादा आप अपनी बॉडी को आगे झुकाएंगे उतना ज्यादा ये एक्सरसाइज हार्ड होती जाएगी। दोस्तों इसको आसान बनाने के लिए आप अपने हाथों की पोजीशन को कुछ इस तरह से चेंज करके इसको कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपके ओवरऑल शोल्डर्स के साइज को चौड़ा बनाती है। इसके आपको 3 से 4 सेट 6 से 12 रेपिटेशन के करने होते हैं। बात करते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज की जिसका नाम है प्लैंच लीन। इसमें आपको अपनी बॉडी को आगे झुकाते हुए कुछ इस पोजीशन में होल्ड करना होता है। देखिए दोस्तों जितना ज्यादा आप आगे झुकेंगे उतना ज्यादा आपके शोल्डर पर प्रेशर पड़ेगा और यही चीज आज का की पॉइंट है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो हो सकता है कि शुरू में आप अपनी बॉडी को ज्यादा आगे ना झुका पाए, वो शुरू में सबके साथ होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना बॉडी को आगे ले जा सकते हैं ले जाएं, या फिर शुरू में नॉर्मल पुशअप पोजीशन को ही होल्ड करें और टाइम के साथ साथ इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इसके आपको 3 से 4 सेट 20 से 30 सेकंड होल्ड के करना है। तो दोस्तों ये थी कुछ एक्सरसाइजेस जिनको आप घर पे ही करके बड़े और चौड़े कंधे पा सकते हैं और अपनी बॉडी को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग वर्कआउट और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बी फिट एंड बी सेफ।